सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके ऊपर हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे पहले तो हमें ये जानना अति आवश्यक है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, मींस इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की परिभाषा क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग के अंदर एक विशेष महत्व रखता है, जिसके द्वारा इंजीनियर्स एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से ही इंजीनियर्स वस्तु, भवन और रोड्स, मशीन पार्ट्स, इन सभी का निर्माण करते हैं। मींस निर्माण से पूर्व उनकी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करते हैं, उनकी ड्राइंग्स ड्राइंग शीट्स पर प्रदर्शित करते हैं, जिसके द्वारा उनका निर्माण किया जा सके। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एक स्लोगन है जिसको मैं लिख रहा हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द ग्राफिक लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन का मीन्स आप समझ ही गए होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है। मीन्स अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग, अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग की वह भाषा है जिसके द्वारा इंजीनियर्स एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जनरली जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, फिर उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आता है वो आता है ड्राइंग बोर्ड, जिस पर रखकर हम किसी भी शीट पर किसी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर आता है ड्राइंग शीट। थर्ड नंबर पर आता है मिनी ड्राफ्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MDB भी बोलते हैं। फोर्थ पर आता है टी स्क्वायर। फिफ्थ पर आता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर इसमें हमारा 45 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पॉइंट पर जो हमारा आता है वो आता है इंजीनियरिंग स्केल।
जनरली इसका यूज़ इंजीनियर्स करते हैं। सेवेंथ मंथ पर आता है प्रोटेक्टर। एट्थ पॉइंट पर यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स, इस इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स के अंदर जनरली डिवाइडर, कंपास, कंपास, सेंटर व्हील, सॉरी ईआर, सेंटर व्हील डिवाइडर, नेक्स्ट वन इज नाइन्थ पॉइंट इज फ्रेंच कर्व। टेंथ इज पेंसिल। जनरली जो हम पेंसिल्स यूज करते हैं वैसे पेंसिल्स 18 ग्रेड्स में होती हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स हम जो पेंसिल्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 3H, 2H, H, HB जनरली जो यूज़ की जाती हैं, जनरली यूज्ड। नेक्स्ट वन इज 11th रबर। And 12th one is duster. Okay, students. सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर। जनरली जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं उसका जो साइज होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो साइज होता है B2। B2 उसका नेम है। जो साइज होता है इसका वो होता है 700 × 500। ये लेंथ एंड विड्थ है इन mm। स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट पर ड्राइंग शीट के बारे में। जनरली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यही कि ड्राइंग शीट्स के साइज कौन कौन से होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ड्राइंग शीट्स हमारी 6 टाइप्स की होती हैं। फटाफट मैं आपको 6 के 6 टाइप्स के साइज बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी शीट्स आती है वो आती है A0, देन सेकेंड वन इज A1, थर्ड वन इज A2, देन A3, देन A4 एंड देन A5। तो इनके साइज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स। A0 का जो साइज होता है वो 841 × 1189 होता है। ओके स्टूडेंट्स A1 का जो साइज होता है, देखिए स्टूडेंट्स इसका आधा करके मीन्स जब हम इसका हाफ करते हैं तो 594.5 बैठता है, तो उसको हम 594 ही लिख लेते हैं। तो 594 × इसको एज इट इज रखते हैं मीन्स जस्ट इसका हाफ कर देंगे। अगेन A2 साइज अगर मैं बात करूँ तो इसका जस्ट हाफ करेंगे, इसका हाफ करते हैं तो 420.5 होगा, तो हम 420 ले लेते हैं। देन 420 × इसको एज इट इज लिख देते हैं 594। स्टूडेंट्स इसका भी हाफ करते हैं देन 297 × 420। अगेन स्टूडेंट्स इसका हाफ करते हैं तो 210 × 297। अगेन स्टूडेंट्स इसका हाफ करते हैं देन 140
48.5 बैठेगा, लेकिन 148 इंटू 210 हम ले लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी डायमेंशन एमएम में है, ऑल डायमेंशन डायमेंशन आर इन एमएम। ओके स्टूडेंट्स, ड्राइंग शीट्स भी हो गई हमारी, ड्राइंग बोर्ड भी हो गई। मिनी ड्राफ्टर की अगर मैं बात करूँ तो मिनी ड्राफ्टर मार्केट में आपको टू टाइप्स के अवेलेबल होंगे, एक होता है फिक्स्ड फ्रेम, एक होता है एडजस्टेबल फ्रेम। तो मैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एडजस्टेबल वाला मिनी ड्राफ्टर ही परचेज़ करें, बिकॉज उसमें एरर मिनिमम आती है, मीन्स 0% एरर आती है। नेक्स्ट वन इज़ टी स्क्वायर, आप सभी को मालूम होगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मैं कुछ ड्राइंग बना देता हूँ उसका, टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर कुछ इस टाइप से होता है ये। इस टाइप से स्केल होता है इसका, ये 90 डिग्री होता है। दिस इज स्टॉक, यहाँ पर वुडन स्क्रू के द्वारा इसको आर्म को फिक्स किया जाता है। दिस इज वुडन स्क्रूज, दिस इज प्लेट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज सेट स्क्रू, यह आप सभी को मालूम है इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल स्केल तो आपने जनरली यूज़ किए होंगे, लेकिन इंजीनियरिंग स्केल उस स्केल को बोलते हैं जिसकी लीस्ट काउंट 1/64 होती है इंच। मीन्स स्टूडेंट्स 1/64 का मतलब होता है कि एक इंच का 64वां पार्ट भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट वन आते हैं प्रोटेक्टर, आप सभी ने इस्तेमाल किया गया होगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, डिवाइडर, कंपास, सेंटर व्हील ड्राइवर, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल स्टूडेंट्स, फ्रेंच कर्व जो होता है इसका इस्तेमाल हम विभिन्न प्रकार के कर्व्स को बनाने के लिए करते हैं। ये जनरली प्लास्टिक और सेल्यूलॉइड का बना होता है, ये विभिन्न आकारों का मिलता है। तो फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल हम कर्व्स को बनाने के लिए करते हैं। अब आते हैं जनरली माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे मेन जो पॉइंट है वो है पेंसिल्स का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ड्राइंग के अंदर गलती करते हैं वो पेंसिल से ही करते हैं, मीन्स पेंसिलों के इस्तेमाल से, यूज से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि पेंसिल 18 ग्रेड्स में होती है, 18 ग्रेड्स। तो ये ग्रेड कौन कौन से हैं ये समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले मैं चलता हूँ हार्ड पेंसिल की ओर। तो सबसे पहले जो ग्रेड स्टार्ट होता है वो 9H से होता है, 9H, देन 8H, देन 7H, देन 6H, देन 5H, देन 4H, देन 3H, देन 2H, देन H, then HB, then F, then B, then 2B, then 3B, then 4B, then 5B, then 6B, and last one is 7B. Okay, my dear students, 18 grade ki pencils हम यूज़ करते हैं, बट जनरली अब यहाँ पर H, F, B का मीन्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? H का मतलब होता है हार्ड पेंसिल, F का मतलब होता है फाइन पेंसिल,
और माय डियर स्टूडेंट्स, बी का मतलब होता है ब्लैकनेस। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इनमें आपको बताता हूँ कि हार्ड पेंसिल कौन सी होती है, मीडियम पेंसिल कौन सी होती है और सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होती है। तो सबसे पहले हार्ड पेंसिल्स की मैं बात करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हार्ड पेंसिल जो होती है वो 9H से 4H तक होती है। नेक्स्ट, मीडियम जो पेंसिल्स होती हैं जिनका यूज़ हम जनरली ड्राइंग के अंदर करते हैं, मीडियम एंड सॉरी सॉफ्ट पेंसिल। मीडियम टाइप की पेंसिल होती है 3H से बी तक। और लास्ट वन सॉफ्ट पेंसिल से होती हैं वो 2B से 7B तक होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जनरली जो हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं वो मीडियम टाइप की पेंसिल्स यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मीडियम टाइप की जो पेंसिल्स होगी वो HB, H, 2H तथा 3H पेंसिल्स। 3H पेंसिल्स का यूज जनरली आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में जनरली यूज़ की जाती है। जनरली मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो 3 पेंसिल्स यूज़ करते हैं, HB, H एंड 2H। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इन तीनों पेंसिल्स के बारे में अलग अलग डिटेल से जाते हैं। इन तीनों पेंसिलों का यूज़ ड्राइंग के अंदर किस किस टाइप से करते हैं। HB पेंसिल्स का यूज़ जनरली हम बाउंड्री लाइन्स आउटर लाइंस टाइटल और ऑल रिटन वर्क लिखने का जितना भी हम काम करते हैं उन सभी में हम HB पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ H पेंसिल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जनरली H पेंसिल हम ड्राइंग को बनाने के लिए जो हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। एक्सटेंशन लाइन डायमेंशनिंग लाइन मीन्स डायमेंशन शो करने के लिए जो हम लाइन यूज़ करते हैं डायमेंशनिंग, और भी बहुत सारे यूजेज हैं इसके एक्सेट्रा। देन लास्ट वन इज़ 2H पेंसिल। 2H पेंसिल्स का यूज़ हम जनरली सेंट्रल लाइन एक्सेस लाइन सेक्शनिंग लाइन सेक्शन लाइंस हैचिंग लाइंस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे यूजेज हैं इसके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पेंसिल्स टोटल 18 ग्रेड्स की मैंने आपको बता दी, उनके टाइप्स भी आपको मैंने समझा दिए कि किस किस टाइप्स की पेंसिल्स होती हैं, कितने ग्रेड्स की पेंसिल होती हैं। जनरली यूज़ हम 3H, 2H, H और HB यूज़ करते हैं। लास्ट वन इज़ रबड़ एंड डस्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है, और जनरली
आई थिंक सो, मुझे लगता है कि मैं आपको जितनी भी बेसिक नॉलेज थी इंजीनियरिंग ड्राइंग की और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की, वो मैं आपको शायद पूरी तरीके से समझा चुका हूँ। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। All right.